Hello students, good morning. How are you and how your study is going on? I think that you have already given the reading of the chapter which today we are going to read. Yes, chapter 3, Kumhar ka Ghada. Kumhar ka Ghada. Ji haan, part 3, Kumhar ka Ghada. Yeh ek नाटक है जिसमें सभी पात्रों के डायलॉग के साथ साथ यह कहानी वर्णित है। यह भी पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित है जो हमें जीवनोपयोगी शिक्षा देते हैं। यह नाटक हमें यह भी बताता है कि किस तरह से हमें संवादों की अदायगी यानी डायलॉग डिलीवरी करेंगे। साथ यह नाटक हमें यह भी बताता है कि ठगी या चोरी से किसी साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति के साथ चालाकी न करना या फिर किसी के साथ धोखेबाजी न करना, बल्कि हमें परिश्रम व ईमानदारी से परिपूर्ण जीवन की खुशहाली के साथ जीवन जीना। नाटक में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से तीनों ठगों ने मिलकर एक सीधे साधे बूढ़े कुम्हार से उसका गधा ठग कर बेच देते हैं और पैसे आपस में बांट लेते हैं और बेचारा सीधा साधा बूढ़ा कुम्हार उनके हाथों ठगा जाता है। कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि जब तीनों ठगों ने देखा कि वो बूढ़ा कुम्हार पेड़ के नीचे सो रहा है और उसका गधा बंधा है, तो उनमें से एक ठग के पीठ में घड़े बांधकर बाकी दो ठग गधे को ले जाकर मेले में बेच देते हैं। अपनी प्लानिंग के अनुसार प्लानिंग वो करके इधर जब ठग की नींद खुलती है और इधर जब बूढ़े की नींद खुलती है वो बूढ़े कुम्हार की नींद खुलती है तो वो हैरान हो जाता है। फिर उस ठग के बताने पर जिस ठग के पीठ पर वो घड़े बांध कर चले गए थे, तो फिर ठग के वो बताने पर कि उसकी पिता जो कि एक जादूगर हैं और पढ़ाई न करने के कारण उसे गधा बना दिया है, और बूढ़े को इस पर दया आ जाती है और यह कहकर कि अब पढ़ाई ठीक से करना और पिता के कहना मानना और उसे खोल देता है। और फिर वो ठग चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैसे का बंटवारा कर मज़े उड़ाता है। इधर बूढ़ा आदमी सोचता है कि वह मेले में जाकर अब दूसरा गधा खरीदेगा ताकि उसका काम हो सके। मेले पहुंचने पर उसका गधा जब वह अपने मालिक को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ता है, पर बूढ़ा व्यक्ति यह सोचता है कि शायद इसने फिर वही गलती की होगी और इसके बाप ने इसे फिर से गधा बना दिया है। वो बूढ़ा कुम्हार यही सोचता है कि ये वही गधा है, उसका ही गधा है और वो उसे फिर से, इसलिए मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए और मुझे इस गधे से दूर ही रहना चाहिए, फिर कभी दूसरा गधा खरीद लूँगा। और वो इस तरह से बिना गधा खरीदे ही वापस लौट जाता है और फिर तीनों ठग उसकी मूर्खता पर खूब हंसते हैं और वो बेचारा ठगा जाता है। तो इस कहानी को आप लोग नाटक को डायलॉग के अनुसार पढ़कर पूरे कहानी को फिर से एक बार समझेंगे और विस्तृत में इसको डायलॉग के अनुसार पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरह से आपने देखा कि कहानी में किस तरह से ठगों ने एक सीधे साधे व्यक्ति को ठगा, जो कि गलत है। हमें किसी को ठगना नहीं चाहिए, विशेषकर सीधे साधे भोले भाले व्यक्तियों पर, क्योंकि ये पाप है और हमें ईमानदारी की कमाई खानी चाहिए, मेहनत और ईमानदारी करना चाहिए, किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। बच्चों, इसमें कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए हैं जिनको आप लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे। मुहावरे दिए हैं जैसे मुंह में पानी आना, खाने के लिए मन ललचाना, कोई जवाब न होना, मुकाबले में दूसरा कोई न होना, इस तरह से पर्यायवाची शब्द दिए हैं जो कि आप सभी के पुस्तक में किताब आपके पास है। आप लोग इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, विलोम शब्द लिखेंगे। यहाँ पाठ से कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर लिखने की आप कोशिश करेंगे।
पुस्तक में आप पेंसिल से लिखेंगे उत्तर, किसने कहा, किससे कहा, यहाँ लिखेंगे, सही उत्तर चुनकर इसमें टिक लगाएंगे। फिर शब्द ज्ञान, व्याकरण का यह पोर्शन है, इनके विलोम शब्द लिखेंगे, अगर जो नहीं जानेंगे उनको आप छोड़ देंगे, जो जो समझ में आएगा उसको आप कर लेंगे। पशु पक्षियों की बोली, इसको कौन सा एनिमल्स, ये पशु पक्षियों की बोली, जैसे गधा रेंकता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याओं म्याओं करती है, इस तरह से लिखेंगे। माने विशेषण और विशेष से छांट कर लिखेंगे, इस तरह से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, और मिलते हैं हम अगले क्लास में।